अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी रेसिपी है कुनाफा। बहुत ही फेमस अरबिक डिज़र्ट है जो कि टेस्ट में बहुत टेस्टी होता है। चलिए रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन में 3 टेबलस्पून शुगर शामिल करूंगी। इसके अलावा 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, फिर 1.5 कप दूध में 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करूंगी और इसे मिक्स करके इसमें शामिल कर दूंगी। और अब इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे मीडियम फ्लेम पर मैं तब तक पका लूंगी जब तक ये थिक ना हो जाए। यहाँ पर खास बात का ख्याल रखिए कि आप इसमें चम्मच कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल करते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी थिक हो चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा करने के लिए एक तरफ रख दूंगी। अब एक मिक्सर जार में मैं 5 टेबलस्पून क्रीम चीज शामिल करूंगी। इसके अलावा 50 ग्राम्स फ्रेश क्रीम। और इस तरीके के 2 चीज क्यूब्स शामिल करूंगी जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके अलावा जो दूध का मिक्स हमने ठंडा करने के लिए रखा था वो इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसे ग्राइंड करूंगी सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए। यहाँ पर ये क्रीम रेडी हो चुकी है। चलिए इसे एक तरफ रख दूंगी। अब मैं यहाँ पर 300 ग्राम्स कुनाफा डो ले लूंगी। और फिर इसे इस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में कट करूंगी। ये हाथों की मदद से आसानी से हो जाते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर आप चाहें तो फिर इस तरीके से चाकू की मदद से भी आप कट कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1/2 कप मेल्टेड बटर शामिल करूंगी और दोबारा इस तरीके से मिक्स कर लूंगी। अब एक बेकिंग पैन लूंगी और इसे बटर से ग्रीस कर लूंगी। अब इसमें 1/2 पार्ट कुनाफा डो शामिल करूंगी और इसे इस तरीके से स्प्रेड करूंगी। और ये कॉर्नर्स इस तरीके से एडजस्ट करूंगी। फिर इसे हल्के हाथों से इस तरीके से टैप करूंगी। जो हमने 1/2 पार्ट रखा है इसे मैं आगे शामिल करूंगी। अब जो हमने क्रीम बनाकर रखी थी वो इसमें शामिल कर दूंगी और इस तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। यहाँ पर बहुत ही खास बात का ख्याल रखिए कि ये चीज हमें कॉर्नर्स तक स्प्रेड नहीं करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे
क्योंकि अगर हम कॉर्नर्स तक स्प्रेड कर देंगे तो जब बेक करेंगे तो चीज़ बाहर आ जाएगी। और फिर इसके ऊपर मैं दूसरा पार्ट भी शामिल कर दूंगी जो हमने रखा था। और कॉर्नर्स इस तरीके से एडजस्ट करूंगी। फिर बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से टैप करूंगी ताकि एक लेवल में आ जाए। अब इस पर मेल्टेड बटर ब्रश करूंगी। बटर ज़रूर स्प्रेड कीजिए क्योंकि इससे बेकिंग में कलर बहुत खूबसूरत आएगा। सबसे पहले मैं अवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करूंगी 180 डिग्री पर। फिर इसे बेक करूंगी एक तरफ 15 मिनट के लिए और दूसरी तरफ फिर 15 मिनट के लिए। चलिए तब तक वो बेक होगा हम शुगर सिरप बनाएंगे। इसके लिए पैन में सबसे पहले 1/2 कप शुगर शामिल करूंगी और इसमें 1 कप वाटर, इसके अलावा 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर, 1/2 टीस्पून लेमन जूस और इन तमाम को इस तरीके से मिक्स कर लूंगी और इसे थिक होने तक पका लूंगी। यहाँ पर ये परफेक्ट सा बन चुका है, इसे एक तरफ रख दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं और ये एक तरफ इस तरीके से बेक हो चुका है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी, फिर से दोबारा बेक करूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। दोनों तरफ बेक करने के बाद ये परफेक्ट सा बेक हो चुका है और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। अब इसके ऊपर मैं शुगर सिरप स्प्रेड करूंगी। और इसे गार्निश करूंगी मैं चॉप्ड पिस्ता से। आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक सजा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट सा डिलीशियस कुनाफा बनकर रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.